हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सिंपल मूविंग एवरेज। आई थिंक सो ये इंडिकेटर के बारे में सभी लोग ने सुना भी होगा एंड बहुत से लोग आई थिंक सो यूज़ भी कर देंगे। बट अगर आप एक इंडिकेटर को यूज़ करने जा रहे हैं, आपको सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब मालूम होना चाहिए। एवरेज बेसिकली क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखेंगे सो सिंपल मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है, इवन यहाँ पे ट्रेडर्स एंड बहुत से लाइक इन्वेस्टर्स भी यूज़ करते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म एंड फॉर द लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बाइंग करने के लिए। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सिंपल मूविंग जो एक इंडिकेटर है लगभग देखें तो बहुत से काइंड ऑफ लाइक आपको दिख जाएंगे अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाकर अगर आप सर्च आउट करोगे। बट उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो क्या करना है, ये हम बेसिकली सारी चीज़ों के हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइज, रुको एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। सो चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एंड आपको बता दूँ कि कैसे क्या सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज मालूम होने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज का मतलब मालूम होना चाहिए। सो एवरेज प्राइस ऑफ द लास्ट एन नंबर ऑफ पीरियड, एन नंबर ऑफ पीरियड मीन्स 5 डेज भी हो सकता है, 20 डेज भी हो सकता है, या फिर 200 डेज भी हो सकता है। बेसिकली आप 5 दिन का जैसे कोई एक एवरेज निकाल रहे हो, फिर 20 डेज का एवरेज निकालते हो, फिर 200 डेज का आप एवरेज निकाल रहे हो। सो बेसिकली वो आपका क्या होता है, एवरेज। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपके 10 दिन है डेज एंड आपका प्राइस है, ये प्राइस पे आप इतने दिन आपने ये प्राइस पे क्या आपने ट्रेडिंग किया है हर एक दिन पे। ओके, 10 दिन में आपने इतने प्राइस पे क्या ट्रेड किया है। अब यहाँ पे इसका एवरेज कैसे निकालना वो आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बोला 5 दिन का, 20 दिन का, फिर 200 डेज का आप एवरेज निकाल सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 दिन का एवरेज आपको बेसिकली पे निकालना नहीं है, 5 दिन का मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैंने आपको। सो हम 5 डेज का इफ अगर आप एवरेज निकालते हो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो आपको क्या करना है, ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए 100, 102, 104, 106 एंड 108, ये जितने भी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, इफ़ अगर आप इसको प्लस करते हो, प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपका एवरेज कितने का निकलेगा, 104। उसी तरीके से आपको क्या है, फर्स्ट डेज छोड़ देना, आपको क्या है, आपको 6 डेज का निकालना है। मीन्स अगर आप ये देखो तो 2, 3, 4, 5, 6 ये कितने हो गए, ये 5 डेज का हो गया हम, क्योंकि हमने पहला वाला छोड़ दिया। तो इसका अगर एवरेज निकालोगे, इन 5 को प्लस करके डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपका एवरेज निकलेगा 106। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके डेज भी बढ़ रहे हैं प्लस आपके जो ट्रेडिंग जो सेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, आप उसका एवरेज बेसिकली निकाल रहे हो। सो यहाँ पे क्या आपके प्राइसेस ने क्या है, धीरे धीरे मूव हो रहे हैं। सो उसको हम क्या बोलेंगे, मूविंग एवरेज। सो ये होता है मूविंग एवरेज एंड एवरेज का मतलब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे चार्ट वाइज अगर आप इसको हम बेसिकली समझे, सो मूविंग एवरेज जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्राइसेस कैसे बढ़ रहे, उसी तरीके से देखोगे अभी जो शेयर है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी शेयर आपने परचेस किया XYZ, वो 100 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है, धीरे 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 देखोगे तो 120 पे जाके ट्रेड हो रहा है। बट डेज के हिसाब से जो भी स्टॉक रहेगा डेज के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ेगा ना, प्राइस भी उसी तरीके से हाई बढ़ेगा। सो उसी तरीके से हमारा जो मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है वो इंडिकेट करता है कि प्राइसिंग अभी किस लेवल पे ट्रेड हो रहा है, कितना ऊपर है। सो बेसिकली ये होता है हमारा मूविंग एवरेज। अब हम डायरेक्टली चार्ट पे जाएंगे, वहाँ पे हम कौन से भी स्टॉक उठाएंगे एंड वहाँ पे हम इंडिकेटर अपना यूज़ करेंगे, कौन सा, मूविंग एवरेज का। सो चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ। सो हम अभी कहाँ पे आ चुके हैं, हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हमने ओपन किया है, कौन सा शेयर, ये टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स का शेयर इफ़ अगर आप देखोगे, सो इफ अगर किसी को भी इसको यूज़ करना रहेगा इन अपनो सेगमेंट के लिए, या फिर इंट्राडे, या फिर किसी भी स्टॉक्स के लिए पिकअप करना रहेगा फॉर दिस शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी, सो यहाँ पे आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज़ करके आप उसको क्या यूज़ करके आप अपना अच्छा खासा एक टारगेट आप निकाल सकते हो। सो मैं भी मूविंग एवरेज यूज़ भी करती हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज। ओके, सो मूविंग एवरेज अगर आप सिंपल सर्च करोगे, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, अगर आप यहाँ पे MOV लिखोगे सो यहाँ पे देखोगे सो बहुत से मूविंग एवरेज के इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूविंग एवरेज सिंपल यूज़ करेंगे। ओके,
सो मूविंग एवरेज सिंपल अगर आप यहाँ पे देखोगे सो हमारा ये लग गया है। अब यहाँ पे क्या है आपको क्या करना है डायरेक्टली आपको मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ, ये yes, आपको दिख रहा है अभी। सो यहाँ पे इफ अगर आप देखोगे सो यहाँ पे क्या है लेंथ, लेंथ आपका बेसिकली क्या होता है पीरियड, मीन्स कितने डेज का आप कैंडल्स पे जो है एवरेज इंडिकेटर आप प्लॉट मीन्स प्लॉट कर रहे हो। सो हमको यहाँ पे क्या है 10 डेज का लेना है इफ अगर आप इसको कौन से डेज के लिए यूज़ कर रहे हो, लाइक अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक पिकअप कर रहे हो तो आपको 10 डेज पे रखना है एंड यहाँ पे भी आपको क्या है 10 ही रखना है। ओके ये बेसिकली लेंथ मीन्स पीरियड के हिसाब से करता है एंड क्लोजिंग मीन्स क्लोजिंग प्राइस पे आपको रखना है या फिर ओपन प्राइस पे रखना है फिर हाई लो पे रखना है। सो हम इसको क्लोजिंग पे ही रखेंगे ओके बिकॉज हम सेकेंड डेज के लिए स्टॉक पिकअप कर रहे हैं यहाँ पे। सो आपको नॉर्मली ये रखना है। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो इंडिकेटर उसके हिसाब से प्लॉट हो चुका है। इफ अगर आप इसको यूज़ करोगे सो एक मैं एक और काम करती हूँ मैं इसका कलर चेंजिंग भी कर सकती हूँ ओके स्टाइलिंग में जाओगे तो आप कलर चेंज भी इसका क्या है कर सकते हैं यहाँ पे। सो येलो भी आप रख सकते हो। विजिबिलिटी क्या रखना है आपको कितने चाहिए यहाँ पे सेकंड पे मिनट्स पे सो वो भी आपको यहाँ पे क्या दिख सकता है। सो अपने हिसाब से आप एडजस्ट आउट भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने इसको फॉर्म कर दिया है। अब यहाँ पे एवरेज इंडिकेटर हमारा क्या बन चुका हुआ है। सो इफ अगर आप इसको डे वाइज पे देखोगे सो बेसिकली हमारा टारगेट तो अचीव हो ही रहा है यहाँ पे। इफ अगर आप देखोगे सो यहाँ पे अगर आप ये कैंडल देखो 13 मार्च 2024 का टाटा मोटर्स ने यहाँ पे क्या नीचे साइड इसका जो आपको ये जो येलो लाइन दिख रही है ना ये हमारा एवरेज इंडिकेटर है सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो क्या है नीचे साइड इसने ब्रेकआउट ब्रेक डाउन एक्चुअली हुआ था उसके बाद देखोगे सो नीचे साइड ट्रेड के लगभग कितना तक ये नीचे गया था शेयर 920 तक नीचे गया था 920.60 तक नीचे गया था शेयर। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये क्या कर रहा है अभी जो मूविंग एवरेज है ऊपर साइड जा रहा है मीन्स कैंडल्स जो है ऊपर साइड जा रहे ब्रेकआउट आने के इसमें चांसेस हैं। सो यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा है जो येलो लाइन है जैसे इसको ब्रेक किया देखो कितना अच्छा मूव मिला मीन्स जैसे अगर आप बाइंग करते हो यहाँ पे भी 985.85 पे भी अगर आप बाइंग करते हो तो लगभग तो कितना हाई गया था 1028 तक इसका हाई गया था। ओके आफ्टर दैट देखो जैसे इसने ब्रेक डाउन हुआ स्टॉक नीचे गिरा आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो देखो कितना 945.45 तक गिरा। सो सिंपल मूविंग जो एवरेज है बेसिकली ये आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज़ करते हो फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ करते हो। सो यहाँ पे अगर हम इसको मंथ वाइज पे रखते हैं सो मंथ वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना पड़ेगा ओके मंथ वाइज भी देखो यहाँ पे तो ये जो मंथ है पूरा साइडवे ही था फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेन जो ब्रेकआउट इसमें अप्रैल के बाद आया अप्रैल के बाद देखो स्टॉक कितना अच्छा भाग है अभी भी क्या पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। सो इफ अगर आप इसको वैसे भी देखोगे तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया भी हुआ है टाटा मोटर्स ने इवन इसको अगर आप डे वाइज पे भी देखोगे तो अच्छा खासा परफॉर्म किया है। चलो अभी हम FNO सेगमेंट में जो फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड कर देने के लिए बता देते हैं यहाँ पे। सो इफ अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो इस तरीके से भी सो आप यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट का मैंने यहाँ पे लगाया टाइमर नॉट टाइमर बट 15 मिनट का चार्ट एक्चुअली लगाया हुआ है जो कैंडल से 15 मिनट के यहाँ पे क्या फॉर्म हुए हैं। सो 10 तारीख आज का अगर आप देखोगे सो क्लोजिंग जो बेसिकली हुआ है यहाँ पे हुआ है इसका क्लोजिंग आज तो 975.50 पे एंड यहाँ पे देखोगे स्टॉक ने काफ़ी अच्छा लाइक सुबह गैप स्टॉक हुआ था आफ्टर दैट स्टॉक जो है थोड़ा बहुत साइडवे भी हो गया एंड अभी भी देखो तो स्टॉक का जो वो ये जो कैंडल है लास्ट मिनट का 15 मिनट का वो भी पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। सो मेरे हिसाब से अभी जो स्टॉक है थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा बट इसका हाई ब्रेक करना चाहिए मीन्स ये जो कैंडल है ना इसका हाई ब्रेक करना चाहिए कितने का 975.65 का इसका हाई ब्रेक करना चाहिए तभी आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ओके सो FNO वालों के लिए ये बेस्ट रहेगा। चलिए बहुत से लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं सो बैंक निफ्टी का आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ओके बैंक निफ्टी का सबको भी सजेशन चाहिए रहता है सो बैंक निफ्टी इंडेक्स चलो ले लेते हैं यहाँ पे 15 मिनट का है डे वाइज पे देखोगे तो अभी जो बैंक निफ्टी कौन से ट्रेंड में पॉजिटिव ट्रेंड में ही है बट जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको तो भाई अभी चाहिए रहेगा कि हम 15 मिनट पे यूज़ करें इसको। सो यस 15 मिनट पे चलो यूज़ कर लेते हैं इसको। अभी बैंक निफ्टी फिलहाल तो नेगेटिव ट्रेंड में ही है बिकॉज जो है ये एवरेज के फिलहाल नीचे साइड ही ट्रेड हो रहा है। सो अगर इसमें पॉजिटिव ट्रेंड अगर आपको चाहिए सो फिलहाल ये जो सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो ये जो बैंक निफ्टी है फिलहाल क्या है नेगेटिव हो सकता है यहाँ पे ट्यूजडे के दिन अगर ये लेवल जो इसका बोल सकते जो इसका लो है तोड़ता है तो कौन सा 49,616.60 का लेवल तोड़ेगा तो
तो यहाँ से क्या बैंक निफ्टी अगर लेवल तोड़ता है तो ये जो बैंक निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है, मीन्स बियरिश हो सकता है। इफ़ अगर ये एवरेज प्राइस के ऊपर अगर गैप अप होता है, मीन्स ऊपर साइड गया, तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है अगर ये एवरेज का ऊपर लाइन लाइक कैंडल अगर एवरेज के ऊपर फॉर्म होता है तो। सो बेसिकली इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन बैंक निफ्टी निफ्टी पकड़ो आप, उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो। चलो निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे, इसमें भी बैंक निफ्टी हमने इसे यूज़ किया, वैसे तरीके निफ्टी भी यूज़ करेंगे। सो निफ्टी वेब भी देखो एवरेज कैसे इंडिकेट कर रहा है। अभी क्या है, नेगेटिव ट्रेंड में ही एवरेज के नीचे साइड ही ट्रेड हो रहा है। सो इसमें चांसेस हैं कि अभी ये जो निफ्टी है, इफ़ अगर ये 23,226.35 का लेवल नीचे साइड अगर ब्रेक करता है, सो निफ्टी जो है बियरिश ही रहेगा ट्यूसडे के दिन। इफ़ अगर एवरेज के ऊपर गया, मीन्स 23,332.25 का अगर लेवल तोड़ता है, एवरेज के ऊपर गया, पॉजिटिव ट्रेंड रहा, अगर कैंडल फॉर्म होता है, गैप अप होता है, देन ये जो स्टॉक है, नॉट स्टॉक एक्चुअली जो इंडेक्स है निफ्टी, ये क्या है, बुलिश हो सकता है ट्यूजडे के दिन। सो यहाँ पे क्या, एवरेज को आपको इस तरीके से यूज़ करना, एवरेज के नीचे रहा तो क्या है बियरिश रहेगा, एवरेज के ऊपर रहा तो बुलिश रहेगा। स्टॉक पकड़ो, इंडेक्स पकड़ो, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट का चार्ट लगाइए, अगर 15 मिनट का यूज़ नहीं करते हो सो 1 मिनट का भी आप लगा सकते हो। 1 मिनट का भी देखोगे सो इसके एवरेज के क्या नीचे ही है। सो एवरेज के ऊपर फिलहाल इसको एक कैंडल नया इसको बनाना पड़ेगा निफ्टी को, तभी इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है। अदरवाइज इसमें तो ये जो निफ्टी है नेगेटिव ही रहेगा ट्यूसडे के दिन। ओके, अब चलिए कोई अदर स्टॉक हम उठा लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इस जगह पे देखोगे तो सो बेसिकली आप एवरेज इंडिकेटर को आप अपने इंट्राडे में, फ्यूचर ऑप्शंस में, डिलीवरी में, इवन अगर आप कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पिकअप करते हो, सो आप एवरेज इंडिकेटर को सब में आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप न्यू हो मार्केट में, सो फिलहाल आप एवरेज इंडिकेटर ही यूज़ कीजिए, सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। एंड फिलहाल आई थिंक सबको समझ के रखे एवरेज, मूविंग एवरेज, बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर हमारा है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो आपको क्या है यहाँ पे क्या समझ गया रहेगा। सो इसको कैसे क्या यूज़ करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड मैं आपको इसका एक चार्ट दिखा देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था, या सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में, ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं, इन्वेस्टर्स भी यूज़ करते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो आई थिंक अभी आपको सिंपल मूविंग एवरेज आपको समझ क्या रहेगा, नहीं समझा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट आप डाल सकते हैं। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।